आजकल सिग्मा मेल के तुम बहुत सारे एड्स देखते होगे जिसमें पैट्रिक बेटमैन का भी नाम आता है। तुम लोगों में से बहुत से लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा होगा और बहुत सारे लोग इस फिल्म का नाम तक नहीं जानते हैं, तो आज हम इसी जनाब के मूवी के ऊपर हम बात करेंगे। वैसे इस फिल्म को अभी 22 साल हो गए हैं और क्या अभी के जमाने में ये फिल्म वर्थ वॉचिंग है? तो समय की इज्जत करते हुए इस फिल्म की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले इट्स शो टाइम के एक और वीडियो में तुम लोगों का फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले इस फिल्म के समरी के बारे में ऊपर ऊपर से जान लेते हैं। दिस इज ए स्टोरी अबाउट पैट्रिक बेटमैन। इस कहानी का टाइमलाइन 1980 में सेट किया गया है। पैट्रिक बेटमैन एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करता है। इस बंदे को शो ऑफ करना बहुत अच्छा लगता है, महंगे कोट पैंट पहनता है, महंगी घड़ी पहनता है, यू नो, अपने दोस्त को बताने के लिए कि हाँ मैं तुमसे बेटर हूँ, और यही सब करके लोगों से अपने साइको पर्सनालिटी को छुपाता है। और वहीं इसके सर्कल के लोग इससे किसी भी चीज में आगे निकल जाता है, तब भाई इसकी झांट सुलग जाती है। यही सब देख के इसका साइको पर्सनालिटी सामने आ जाता है, और इसके बाद जो उस बंदे के साथ होता है बेहतर है कि तुम फिल्म देख के ही पता करो। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले इस फिल्म की स्टोरी मुझे काफी अच्छी लगी, एंड देन इसके बाद इसका स्क्रीन प्ले, भाई क्या तगड़ा इसका स्क्रीन प्ले है। मेरे को पर्सनली इस टाइप की स्क्रीन प्ले काफी अच्छी लगती है। और भाई ये फिल्म 2000 में रिलीज हुई थी, तुम समझ सकते हो कि उस टाइम ये ऐसी स्क्रीन प्ले दिखाते थे, कमाल है भाई, ब्यूटीफुल। अगर बात करें इसके नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर, तो इस फिल्म का बिल्डअप बहुत ज्यादा स्लो है, क्योंकि शुरुआत में इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है, जो बहुत लोगों को स्लो लगेगी, और बहुत सारे लोग तो इसको शुरुआत के आधे घंटे के बाद ही छोड़ देंगे। वैसे ही ये फिल्म 1 घंटा 50 मिनट का है, अगर ज्यादा कांट छांट करता तो बस 1.5 घंटा का रह जाता, लेकिन इस फिल्म के स्लो पेस के चलते तुम इस फिल्म को छोड़ना मत। उस समय ऐसे ही फिल्म बनती थी और लोग इसको पसंद भी करते थे, और अभी के जमाने में लोग अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहते, वो किसी भी फिल्म के अंदर जल्दी से इन्वॉल्व होना चाहते हैं। लेकिन अभी तक इस फिल्म को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, तब ये फिल्म आप लोगों के लिए वर्थ वॉचिंग होने वाली है। और इस फिल्म का क्लाइमैक्स एकदम मिस्टीरियस है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट सी है, और इसका क्लाइमैक्स देखने के बाद तुम्हारे मुंह से सिर्फ यही निकलेगा। अगर ओवरऑल की बात करें तो हाँ, मैं इस फिल्म को तुम सबके लिए रिकमेंड करूंगा जिसने भी नहीं देखा है। अब बात कर लेते हैं वरिसु वर्सेस थुनीबू दोनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कि आखिरकार पोंगल का विनर इन दोनों में से कौन है। वैसे देखा जाए तो पोंगल का विनर थलापति विजय सर है। शुरुआत में ऐसा लगा था कि अजित सर के बॉक्स ऑफिस नंबर ज्यादा होने वाले हैं, लेकिन पहले वीकेंड के बाद विजय सर आगे निकल गए। अगर दोनों मूवी के 5 दिन के कलेक्शन के बारे में बात करें, तो वडीसू ने कमाए हैं 85 करोड़ तमिल, तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में, और वहीं थुनीबू ने कमाए हैं 68 करोड़ तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में। वैसे सभी की आंखें इन दोनों फिल्म के मंडे कलेक्शन के ऊपर है, कि पहले सोमवार को कौन सी फिल्म बाजी मारता है। और वहीं इन दोनों फिल्म के बजट के ऊपर बात करें, तो थुनीबू का बजट 200 करोड़ रुपए है, और वहीं वरिसू की बजट की बात करें तो 280 करोड़ रुपए। अब इंतजार ही करते हैं कि दोनों फिल्म में से कौन बाजी मारता है। वैसे इन दोनों फिल्म में से तुम्हारा कौन सा फेवरेट है, अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। और अगर यह वीडियो तुमको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे सेफ, जय हिंद। We'll be right back.